पांच एजेंडे को लेकर के 3 तारीख को जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जाता है। इस सत्र में हमारा पोलिंग बूथ है और इस बार हम लोग पॉलिटिकल दबाव भी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तो वही राज्य तो हमको पॉलिटिकल रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे जिलाध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी और इनकी टीम से मिलने के लिए मैं बारा में आया हूँ। इसमें हमारे 5 एजेंडे हमने रखे हैं कि 14% आरक्षण की जो हमारी डिमांड थी वो पूरी हो, 10% आरक्षण हमें EWS का मिला है लेकिन उसका उतना लाभ नहीं मिल पा रहा जितना लाभ मिलना चाहिए था। तो 14% आरक्षण की हमारी मुख्य मांग रहेगी। दूसरी हमारी मांग रहेगी कि राजस्थान में सभी समाजों के विश्वविद्यालय बने हुए हैं तो जयपुर में भगवान परशुराम जी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, उसके लिए जमीन समाज की तरफ से उपलब्ध हम लोग कराएंगे, सरकार विश्वविद्यालय को बना के दे। साथ ही 111 फीट की भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने का एक हमारा संकल्प है। साथ ही हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर एक गुरुकुल की स्थापना हो, छात्रावास की स्थापना हो। साथ ही EWS आरक्षण में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। सबसे बड़ी विसंगति सामने ये आ रही है कि आज किसी बच्ची का विवाह हो गया तो उसके पति की आय को भी जोड़ते हैं उसके अंदर और उसके पीएफ पक्ष की आय को भी जोड़ते हैं। तो हमारी ये मांग है कि एक ही आय को उसको जोड़ा जाए जिससे कि उसको लाभ मिल पाए, क्योंकि जो बच्ची पराई हो गई अपने ससुराल में चली गई तो उसके पति की आय को उसको जोड़ना चाहिए, ना कि पीएफ पक्ष की आय को जोड़ा जाए या फिर उसकी एक ही आय जो जोड़ी जाए कि उसके पिताजी की स्थिति क्या थी उस आधार पर उसको लाभ मिले। साथ ही EWS के आरक्षण में बहुत सारी विसंगतियाँ दिख रही हैं, उन सब बातों को लेकर के मुख्य एजेंडा हमने ये रखे हैं कि 5-6 एजेंडे में हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में प्रयास कर रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र से, हर पोलिंग बूथ से महासभा के लोग सबको लेके आएँ और एक बड़ा और अद्भुत कार्यक्रम देखने को मिले। इस तरह आपने टिकट की बात करी कि दोनों पार्टी से कैसे टिकट की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए राजनीतिक तरह से मतलब इन्वॉल्व, देखिए समाज और राजनीति सबको साथ जोड़ के चलना पड़ता है। हमारे विधायक बनेंगे तभी हमारे समाज की बात को ऊपर उठा पाएंगे और ब्राह्मण कभी किसी के बुराई करने की बात नहीं करता, किसी की खिलाफत नहीं करता, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ना सबका दायित्व बनता है। राजस्थान में 120 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें ब्राह्मण तय करते हैं कि कौन जीतेगा चुनाव। 70 विधानसभाओं में हम सीधा सीधा असर डालते हैं, तो भाई कम से कम हमारे लोग 30-35 तो दो आप। हर बार 15-20 उम्मीदवार लड़ाए जाते हैं, 17 जीत के आते हैं। तो हमारी डिमांड है कि 35-35 सीटें कम से कम ब्राह्मण समाज को मिलनी चाहिए और प्रवीण शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब लोग 12 में ब्राह्मण समाज कैसे वहाँ पहुँचेगा इस पर चर्चा भी करेंगे और मैं प्रयास चाहता हूँ कि 12 जिला सबसे आगे रहे और अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पहुँचें।